गाड़ी नीचे ज्यादा है तो पागल सा है भाई। पूरे रास्ते या तो इसके पीछे वाली ने बुक पढ़ी या सोई है, आगे वाली तो सोई रही। डे टू, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल का नाम है अपर्णा जतिन झा क्यू। हम लोग इंदौर में, अब इंदौर से हम लोग निकल रहे हैं अगले डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आकू का एक्सटर्नल एग्जाम है। यहाँ से हमारी जर्नी है 10 घंटे की और हमने चेकआउट कर लिया। मैं 5 बजे उठ गया था, फटाफट मैं रेडी हुआ, सब लोग रेडी हो गए। चलो लेट्स गो। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी थी यार ये वाली, दिन में हम लोग दिखा नहीं पाए लेकिन मॉर्निंग वाला व्यू दिखाता हूँ। अभी हो गया है ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे हम लंच कर ले। हमने बहुत ज्यादा व्लॉग नहीं किया बिकॉज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो सो ही रही थी, आपको भी सो रही थी। कल आई वॉज वेरी टायर्ड और हमारे ड्राइवर साहब चला रहे थे। अब हम पहुंचने वाले हैं, आई थिंक 4:15 हम ग्वालियर पहुंच जाएंगे। कल 9:30 रिपोर्टिंग है, 10:00 पे आकू सिंह का एग्जाम है। सो वी वर जस्ट डिस्कसिंग यूजुअली कि हम लोग क्या क्या पहनने वाले हैं बिकॉज पेरेंट्स का भी वहां पे ओरिएंटेशन होगा वाइल बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। सो आई यूजुअली व्हेनेवर आई कम टुवर्ड्स एमपी साइड, पता नहीं फॉर सम रीजन आई लव टू वेयर साड़ीज, तो मैंने साड़ी भी कैरी करी है। बट आकू सिंह ने बोला कि आप साड़ी नहीं पहनोगे मम्मा, आप पहनोगे क्या आकू? वेस्टर्न फॉर्मल्स। तो आदि से भी मुझे मिलना है, सैटरडे को इसका एग्जाम है। संडे आई एम गोइंग टू गेट टू मीट आदि फॉर 1 आवर। वो हॉस्टल से बाहर लाना नहीं अलाउ कर रहे उसको, अदरवाइज आई वॉन्टेड टू ब्रिंग हिम एंड स्पेंड 1 डे विद हिम एटलीस्ट। बट एनीवेज अब हम जा रहे हैं, तो मैं आदि के लिए तो साड़ी रखी है बिकॉज ही विल गेट वेरी हैप्पी टू सी हिज मासी इन साड़ी। नो इवन ही लाइक्स टू वेयर फॉर्मल। नो नो, ही लव्स इंडियंस विद मासीज एंड मम्मास। इनको फॉर्मल पहनना है। मेरे पास जो कार्टून वाली टी शर्ट है ना वो रखी है मैंने, तो मैं कार्टून वाली टी शर्ट और जीन्स पहन के जा रहा हूँ। सबसे यंग फादर मैं ही लगूंगा आपको वहाँ पे। तो यंग फादर का ये थोड़ी मतलब है कि मिकी माउस पहन के चले जाओ। नॉर्मल लाइफ में वही पहनता हूँ मैं, किसी के लिए भी अपने आप को बदलू क्यों? मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। मैं घर में वही पहनता था, बाहर जाते वक्त मिकी माउस, तो अभी मैं वही मिकी माउस वाला पहन लूंगा। अच्छा वो फिंच स्टोन वाला पहन। पैसा हम ही भर रहे हैं आपको। तो क्लोथिंग अप्रूव्ड हम दोनों का आप करने वाले हो, करेक्ट? तो हम आपका करेंगे, आप लहंगा पहन के जाओ। तो आपको क्या लगता है ग्वालियर में लहंगा नहीं मिलेगा? मैं मेरी चॉइस के कपड़े ही पहनूंगा। चलो अब तो कल ही पता चलेगा पहुंच के कि हम लोग क्या पहन के जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अभी भूख लग रही है, पिछली बार जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे ना तो मैंने खाई थी सेब की सब्जी। किस किस ने खाई है सेब की सब्जी और किस किस को पसंद है मुझे बताओ कमेंट करके। मुझे तो जेन्युइनली बहुत पसंद है। क्या है? इंडियन होटल लगाया था, मुझे लगा आगे मिलेगा कुछ, मुझे से वो समथिंग चूल्हा टाइप्स का था ना वो बड़ा सा। लंच अच्छा करना है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। दादी इतना राशि मत चलाइए, हाई सो रहा है। सीरियसली बॉय ही स्लीपिंग, उसकी दाढ़ी मेरे से ज्यादा है। तो है भी तो 80 और समथिंग का ना। लुक एट हाउ क्यूट ही लुक्स।
उसके लिए नैपकिन भी उठा के लेके आई है। पूरे रास्ते या तो इसने पीछे वाली ने बुक पढ़ी है या सोई है, आगे वाली तो सोई रही है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, मेरे को लूज मोशन हो गया, मुझे वीकनेस हो रही थी। नहीं तुझे ऐसा लग रहा है, वीकनेस नहीं होती तो क्या जगते रहते? तो क्यों लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ अकेले आई थी पास्ता वाला पूरा ट्रिप किया था, मैं एक बार भी नहीं सोई थी। डू यू रिमेम्बर दैट? और नो पहले आप वो बताओ मुझे, उस टाइम में नहीं सोई थी ना? उस टाइम ज्यादा नहीं सोए थे, सोए तो थे। नहीं 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 दिशा, बतियाते बतियाते गई थी मैं पूरे टाइम। आई एंटरटेन यू विद माय टॉक्स। दिस वाज वन प्लेस आई थिंक वी स्टेड। यहाँ आपने कुछ तो खाया था। सो फाइनली यहाँ पे मेरी जो फेवरेट सब्जी थी वो मिल गई है। उस सब्जी का नाम है सेव सब्जी। अब सेव सब्जी में यहाँ पे सेव टमाटर नहीं, सेव खाली। सेव सब्जी और यहाँ पे दो टाइप की बनती है, एक दूध में बनती है और एक ग्रेवी वाली बनती है। तो ये तो मैंने पहली बार सुना है कि वो सब्जी दूध में बनती है। हाँ, मैंने भी नहीं सुना था। छाछ पीने का मन हो रहा है लेकिन पी सकते हैं क्या ऐसी जगह? पैक जो यार, अगर पीना है। यस, सेव सब्जी। देखो सेव अकेली सेव है, टमाटर उसमें एक आध पीस ही दिख रहा है। अपना का क्या? चलो स्टार्ट करो। So how was the food, Jesha? बहुत ही मजेदार सब्जी थी। ऐसा लगा था यहीं पैक करा लेते, जाते के रात का खाना यहीं से पैक करा लेते। आकू ने बोला भी, पर फिर एक सब्जी तो ले ली हम लोगों ने। आकू को सब्जी बहुत पसंद आई बट बहुत ज्यादा मसाला था और कल उसका एग्जाम है। सो आई टोल्ड जतिन कि शाम को उसको कुछ बिना मसाले वाला कुछ लाइट सा खिलाएंगे, सो दैट टुमारो शी डजंट हैव लाइक अ डिफिकल्ट स्टमक टू मैनेज एग्जाम देते टाइम। मुझे पता है एग्जाम देते टाइम मुझे हमेशा लूज मोशन हो जाता था मैथ्स के बोर्ड्स एंड ऑल के टाइम पे। आपको होता था? नहीं होता था। मेरी दो दिन पहले से शुरू होता था गुड़गुड़ और उसके बाद आई यूज टू गेट लूजिएटेड जिस दिन मेरा वो होता था एग्जाम। अपन पढ़ने में अच्छे थे ही नहीं ना, तो अपने ज्यादा टेंशन होती थी। मैं कौन सी अच्छी थी? आई वॉज ओनली गुड विद स्पोर्ट्स, आई वॉज वेरी बैड पढ़ाई में। आपको अपनी अच्छी हुई पढ़ाई? हाँ, आपको तो अच्छी है। और रघु सिंह पे चली गई है मेरे पे। अच्छा था पढ़ने में, हमेशा फर्स्ट आता था पीछे से। अब आप ये बताओ कि अब आपने पी लिए छास दो ग्लास और खाना पूरा खाया है आपने अच्छे से, चावल सब्जी रोटी। आपको नींद आ रही है तो मैं ड्राइव करूंगी, मैं सुबह से सोई रही हूँ। नहीं और अगर आपने ड्राइव मुझे मना किया तो मैं सो जाऊंगी वापस, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। मैं नहीं सो रहा हूँ, डिसाइड कर लो। कोई जल्दी थोड़ा पहुंचे यार, अब के 3 घंटे के बचे हैं। अरे तो 3 घंटे जगह 3.5 घंटे की ड्राइव एक्स्ट्रा, मेरे को कंफर्टेबल नहीं होता, कोई और चलाता है। डर लगता है, कंफर्ट आती है मेरी स्पाई है। जब मैं सोती हूँ तो आपको बताती है 120 का तो ऐसा सीन है, 120 जैसी होता है वैसे बीप बज रहती कंटीन्यूअस। हां आजकल एक्चुअली सभी कार्स में ऐसा आ रहा है, तो पीछे से आपको को समझ आ जाता है 120 पहुंच गए। भी ऐसा पंगा है कि हम जिस होटल में यूजुअली ग्वालियर में हमेशा रहते हैं वो हमें सिर्फ कल और परसों के लिए मिला, तो आज रात के लिए वापस हम दूसरे होटल में हैं। फिर कल हमें जाना है 9:15 बजे आपू के एग्जामिनेशन प्लेस पे, तो वहां पे हमें सामान लेके जाना है क्योंकि हम 5-6 घंटे बाद आएंगे, तब तक हमारा चेकआउट टाइम खत्म हो चुका होगा। फिर हम स्टेशन है 2 दिनों के लिए, उसके बाद हम तीसरे दिन जब निकलेंगे तो आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी 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 स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन, उसके संग हम एक दिन पूरा स्पेंड करने वाले हैं। वो और मैं हम साथ में 5th स्टैंडर्ड से साथ में, मतलब अभी जो साइज आप लोग को आकू सिंह का दिख रहा है ना, इस टाइम पे हम फ्रेंड्स बने थे एंड वी आर स्टिल टुगेदर। एंड शी हैज अ ब्यूटिफुल स्कूल एंड ब्यूटिफुली शी इज डन इट अप विद हर हस्बैंड, आई विल शो यू एवरीथिंग। ये ऐसा होता है कि वो होता है ना, जैसे पहले मैं बोलती थी कि जतन से मेरी लड़ाई हुई और उन्होंने मुझे एक चॉकलेट और एक कप चाय दी एंड आई एम सॉर्टेड। अब जब लड़ाई हुई और हमारा सॉर्ट नहीं होता है तो मैं एक इनमें से एक कोई मूवी देखती हूँ और मुझे लगता है लाइफ इज गुड। यू डोंट हैव एनी कंफर्ट मूवी? ऐसी कोई मूवी कंफर्ट नहीं है, मैं तो कोई भी सीरीज देखता हूँ नॉर्मली।
मेरा कंफर्ट मूवीज ये तो है और एक कंफर्ट सीरीज है फ्रेंड्स. कभी भी कहीं से भी देख लो, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट लाइफ. माइनस पर्सी जैक्सन और हैरी पॉटर डेफिनेटली. पर्सी जैक्सन एंड माइनस चॉइस आल्सो ट्राइज अ फिल्म. पढ़ने का है कि लिखने का देखने का है? दोनों का है. हमारे टाइम में चल रही थी चाचा चौधरी, पिंकी, राज कौमे, बिल्लू बिल्लू नंदन, ग्रह शोभा. ग्रह शोभा तो मम्मी लोग पढ़ते थे, आप पढ़ते थे क्या? घर पे होती है ग्रह शोभा. एक पापा पढ़ते थे रीडर्स डाइजेस्ट, उसमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीजें होती थी. चंपक करेक्ट. ग्रह शोभा दैट यूज्ड टू बी लाइक व्हाट कॉज ग्रह मीन्स होम एंड शोभा मीन्स लाइक अबाउट घर एंड एवरीथिंग. और जो हमारे लिए कॉस्मोपॉलिटन है वो मम्मी लोग के लिए ग्रह शोभा होती थी. और गुजराती में चित्रलेखा मुझे नहीं पता. अभियान और चित्रलेखा ये सब आते थे पहले. मुझे ये नहीं पता क्या समय पलटा है. आप लोगों को पता है आपको सिंह के पास हमने अभी थोड़े दिन पहले आपको ने काउंटिंग करी व्हेन वी वर स्टार्टिंग आवर जर्नी. उसके पहले उसके पास 96 नॉवेल्स है एंड शी इज रेड देम ऑल. लाइक मोस्ट ऑफ देम तो उसने शायद दो दो बार भी पढ़ा है बट 96 नॉवेल्स. शी लव्स रीडिंग सो मच. 96 से घर पे हमारे हाँ तो दो इसकी फ्रेंड के पास भी गई हुई है तो टोटल 98 बुक्स है इसके पास जो उसने सारी पढ़ी हुई. और कोई भी पतली नॉवल नहीं पढ़ती है. अभी वाली दिखाना आपको आपकी. दिस इज नॉट वेरी मोटा, दिस इज एवरेज. दिस इज व्हाट शी इज रीडिंग राइट नाउ. हमारे टाइम में इस साइज की उपन्यास आती थी, पापा लोग पढ़ते थे इस साइज का. तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था एक्चुअली स्कूल में सिडनी शेल्डन एंड डैनियल स्टीवंस एंड ऑल. ये साइज आपको बच्चे आजकल पढ़ते ही नहीं. आप बोल रहे हो नॉवेल्स नहीं रहती, वो इतनी इतनी पतली तो पढ़ नहीं पाते आजकल के 5th-6th ग्रेडर्स. How's the washroom? I'm clean also na? थैंक यू, वी लव द होटल, बहुत क्लीन है. बस अगर आप बच्चों के संग आएंगे तो स्विमिंग पूल नहीं. आपको पहुंच गई अपने काम पे. पहले वॉश कर लो ये दोनों कप्स तो क्या हो. पहले दोनों कप्स तो क्या हो और फिर दोनों ले जाओ ना और फिर केटल धो लेना. तो डिविजन में बेसिकली इस तरफ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ जाता है.